नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल गोविंद। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली जो कि भारतीय रेलवे में आप गुड्स गार्ड कैसे बन सकते हैं, इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वो क्या जानकारियां हैं वो आपको मैं बता देता हूं। पहले दोस्तों, मैं इसमें आपको जानकारी देने वाला हूं कि जिन लोगों का सपना है रेलवे में गुड्स गार्ड बनने का, तो उसके लिए क्या क्या एज क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और उसमें बनने के गुड्स गार्ड बनने के क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को देखते रहे शुरू से लेकर एंड तक। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं क्या है पूरी डिटेल। दोस्तों, बात करते हैं गुड्स गार्ड का जो है कि काम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, गुड्स गार्ड का जो काम होता है वो ये होता है दोस्तों। एक तो वो ट्रेन का जो इंचार्ज होता है, ठीक है, और वो इमरजेंसी ब्रेक लगाने का काम करता है, जैसे कि कोई भी दुर्घटना हो तो इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दोस्तों, इसमें जो लोको पायलट होता है वो ट्रेन बस रोकने और चलाने की अनुमति भी वही देता है, गुड्स गाड़ी देता है। जो लोको पायलट होता है जो ट्रेन चलाता है उसको अनुमति चलाने की यही देता है गुड्स गाड़ी। और जो तीसरा पॉइंट है, जो गुड्स गार्ड का जो काम होता है वो ट्रेन के पीछे होता है। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन के पीछे बॉगीज लगी होती है उनके पीछे ही वो उसका एक केबिन सा होता है जिसमें वो रहता है। ठीक है दोस्तों, वो होता है गुड्स गार्ड। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले में कि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है गुड्स गार्ड बनने के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी है। इसके साथ यदि 12th मांगे या फिर छोटी पोस्ट के लिए तो वो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी। और जो इसकी मिनिमम परसेंटेज है वो दोस्तों इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस पास होने चाहिए आपने ग्रेजुएट में। ठीक है दोस्तों, इसके जो एज क्वालिफिकेशन एज की बात है दोस्तों, तो इसमें आपको 18 से कम नहीं होना चाहिए और 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनके बीच में दोस्तों आपकी जो है एज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों जो स्टूडेंट या फिर जो भी अभ्यर्थी अभी फाइनल ईयर में हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग फाइनल ईयर ग्रेजुएट कर रहे हैं वो दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि उनके पास मार्कशीट आ जाए तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वेतन की, यानी सबको दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होती करनी चाहिए वो होनी हो, लोगों का इंतज़ार था अभी तक का वेतन के ऊपर, तो वो वेतन कब मिलता है, कितना मिलता है। ठीक है दोस्तों इसकी बात करें ग्रेड पे की, तो दोस्तों सारे अलाउंस मिला के आपके जो ग्रेड पे मिला के दोस्तों आपका 2800 बनते हैं। जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है आपकी 29,200 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी, और ये आपकी है जो है कि आपकी ग्रेड पे है। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि जो लोग हमने सुना है कि या फिर आपने भी सुना होगा कि जो गुड्स गार्ड के जो वो पैसे होते हैं वो करीब 50,000 तक होते हैं। दोस्तों वो इस प्रकार होते हैं, ग्रेड पे मिला के, सैलरी मिला के। और जो ये दोस्तों ये रनिंग ट्रिप घाट वेटिंग ड्यूटी बेंच ऑफ रेस्ट एक्सटेंट अलाउंस दोस्तों ये टोटल मिला के आपका जो है ये 50,000 इनकी जो पर मंथ की सैलरी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इसकी जो सैलरी होती है लगभग 50,000 तो बन ही जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों गुड्स गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों इसमें जो तीन चरण होते हैं आपके, पहला चरण होता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम CBT 1 के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा होता है दोस्तों वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें फिजिकल का आपका कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका जो फिजिकल, सॉरी दोस्तों जो CBT 1 है वो होता है आपका फर्स्ट, उसके बाद दोस्तों होता है आपका CBT 2, फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो CBT 1 होता है दोस्तों वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस इसमें पास होने चाहिए। पास होने के बाद दोस्तों जो आपकी मेरिट बनती है वो बनती है सेकेंड CBT 2 से। ठीक है दोस्तों, इसके बेस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।